लोकसभा चुनाव के जो चौंका देने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं उससे भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है और इस बार 400 पार के नारे की हुंकार भरने वाले मोदी जी की हवा आज सामने आए नतीजों ने खराब कर दी है। भाजपा में अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच उस वक्त की बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह से बातचीत की है। इस दौरान मोहन भागवत ने भाजपा के अंदर से नए प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरे का नाम भी पूछा है। संघ भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इसकी कमान अब तक मोदी सरकार के दौरान किनारे लगा दिए गए मोहन भागवत ने खुद संभाल ली है। भाजपा में ही मोदी जी के नाम पर सहमति नहीं बन रही है। वहीं एक नाम जो सबकी जुबान पर आता है नितिन गडकरी का, उनके नाम पर चंद्रबाबू नायडू तैयार नहीं है और अब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब तक खामोश बैठे मोहन भागवत ने खुद कमान संभाल ली है और जहां इन चुनावों में देखा गया था बूथ स्तर पर संघ एक्टिव नहीं है और खबरें तो ये तक निकल कर सामने आई थी कि संघ को ब्रांड मोदी के पिटने की भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसके चलते इन चुनावों में संघ पूरी तरह से सक्रिय नहीं था और भाजपा और संघ के बीच का टकराव भी खुलकर सामने आने लगा था। तो अब ऐसा लगता है कि संघ ने कमान अपने हाथों में लेते हुए नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उससे भाजपा के खेमे में हलचल तेज है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है और तब तक के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। We'll be right back.